पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। आज हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 से 8 तक पढ़ेंगे। हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे सभी उपकारों के लिए और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह अपना पवित्र आत्मा भेजकर हमें ज्ञान सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करें ताकि हम उसके वचनों को अच्छे से सुन सकें और सभी तक उसके वचनों को फैला सकें। अध्याय 1। यह पत्र ईसा मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है जो ईश्वर द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें आप लोग भी हैं जो ईसा मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम यह पत्र लिख रहा हूं जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं आप सबों के लिए ईसा मसीह द्वारा अपने ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि संसार भर में आप लोगों के विश्वास की चर्चा फैल गई है। जिस ईश्वर की उपासना मैं उसके पुत्र के सुसमाचार द्वारा सारे हृदय से करता हूँ, वही मेरा साक्षी है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों को निरंतर स्मरण करता हूँ और सदा यह निवेदन करता हूँ कि ईश्वर की इच्छा से किसी न किसी तरह मुझे अंत में आप लोगों के पास आने का सुअवसर मिले, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा है। मैं आपको विश्वास में सुदृढ़ बनाने के लिए आध्यात्मिक वरदान देना चाहता हूँ, या यों कहें, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के यहाँ रहकर आपके विश्वास से सांत्वना प्राप्त करूं और आप मेरे विश्वास से। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने बार बार आपके यहाँ आने की योजना बनाई किंतु अब तक इसमें कोई ना कोई बाधा आती रही। जैसे अन्य राष्ट्रों में वैसे आपके बीच भी मैं सफल कार्य करना चाहता हूं। मैं अपने आप को यूनानियों और गैर यूनानियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों के प्रति उत्तरदायी समझता हूँ। इसलिए मैं रोम में आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट होता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आँखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए हैं।
उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य पक्षियों पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युगों युगों तक धन्य है। आमीन। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी। इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार करते हैं और इस प्रकार वे अपने भ्रष्टाचार का उचित फल अपने शरीर में भोग रहे हैं। उन्होंने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समझा, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे वे अनुचित आचरण करने लगे। वे हर प्रकार के अन्याय व्यभिचार लोभ और बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या हत्या और छल कपट और दुर्भाव से परिपूर्ण हैं। वे चुगलखोर परनिंदक ईश्वर के बैरी दृष्ट घमंडी और डीग मारने वाले हैं। वे बुराई करने में चतुर हैं, अपने माता पिताओं की आज्ञा नहीं मानते और विवेकहीन तथा अविश्वासी हैं। उनमें प्रेम और दया का अभाव है। वे ईश्वर का यह निर्णय जानते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने वाले प्राणदंड के योग्य हैं। फिर भी वे न केवल स्वयं यही कुकर्म करते हैं, बल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं। अध्याय 2। इसलिए दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो यही कुकर्म करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं यही कुकर्म करते हो, तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच जाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने इस हट और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिन के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो, जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को पहले यहूदी और फिर यूनानी को महिमा सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो संहिता के अधीन नहीं थे यदि उन्होंने पाप किया होगा तो वे बिना संहिता के नष्ट हो जाएंगे, और जिन्होंने संहिता के अधीन रहकर पाप किया होगा उनका संहिता के अनुसार न्याय किया जाएगा, क्योंकि संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, वरन संहिता का पालन करने वाले धार्मिक माने जाएंगे। जब गैर यहूदी जिन्हें संहिता नहीं मिली अपने आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वे संहिता के बाहर रहते हुए भी स्वयं अपने लिए संहिता है, क्योंकि वे इसका प्रमाण देते हैं कि संहिता की आज्ञाएं उनके हृदय पर अंकित है। उनका अंतकरण भी इसके संबंध में साक्ष्य देता है। उनके विचार उन्हें कभी दोषी तो कभी निर्दोष ठहराते हैं। यह सब उस दिन प्रकट किया जाएगा
जब ईश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह द्वारा मनुष्यों के गुप्त विचारों का न्याय करेगा। तुम जो यहूदी कहलाते हो, संहिता पर निर्भर रहते हुए ईश्वर पर गर्व करते हो, उसकी इच्छा जानते हो और संहिता द्वारा शिक्षित होने के कारण नैतिक मूल्य पहचानते हो। तुम्हें संहिता द्वारा ज्ञान और सत्य का स्वरूप प्राप्त हो गया है, इसलिए तुम अपने को अंधों का पथ प्रदर्शक, अंधकार में रहने वालों का प्रकाश, अज्ञानियों का शिक्षक और भोले भाले लोगों का गुरु समझते हो। क्या तुम जो दूसरों को शिक्षा देते हो अपने को शिक्षा नहीं देते? तुम घोषित करते हो चोरी मत करो और स्वयं चोरी करते हो। तुम कहते हो व्यभिचार मत करो और स्वयं व्यभिचार करते हो। तुम देव मूर्तियों से घृणा करते हो और मंदिरों को लूटते हो। तुम संहिता पर गर्व करते हो और संहिता के उल्लंघन द्वारा ईश्वर का अनादर करते हो, क्योंकि जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम लोगों के कारण राष्ट्रों में ईश्वर के नाम की निंदा हो रही है। खतने से अवश्य लाभ होता है, बशर्ते तुम संहिता का पालन करते हो, किंतु यदि तुम संहिता का उल्लंघन करते हो तो तुम्हारा खतना निरर्थक है। इसी प्रकार यदि कोई बेखतना व्यक्ति संहिता का पालन करता है तो क्या उसका बेखतना पर खतना नहीं माना जाएगा? जो शरीर का खतना कराए बिना संहिता का पालन करता है वह तुम्हारा न्याय करेगा, क्योंकि तुम संहिता और खतने से संपन्न होते हुए भी संहिता का उल्लंघन करते हो। असली यहूदी वह नहीं जो प्रत्यक्ष रूप से यहूदी दिखता है, और असली खतना वह नहीं जो शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। असली यहूदी वह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और असली खतना वह है जो हृदय का है और संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों की नहीं बल्कि ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त है। अध्याय 3। तो दूसरों की अपेक्षा यहूदी को अधिक क्या मिला और खतने से क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। सर्वप्रथम यहूदियों को ईश्वर की वाणी सुनाई गई है। यदि यहूदियों में कुछ अविश्वासी निकले तो क्या हुआ? क्या उनका अविश्वास ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता नष्ट कर देगा? कभी नहीं। भले ही प्रत्येक मनुष्य झूठा निकल जाए, किंतु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। जैसा कि लिखा है, तेरे निर्णय सही प्रमाणित होंगे और इनकी जांच होने पर तू विजयी होगा। यदि हमारा अन्याय ईश्वर की न्याय प्रियता प्रदर्शित करता है, तो मैं यह मानवीय तर्क के अनुसार कह रहा हूँ, क्या ईश्वर अन्याय नहीं करता जब वह हमें दंड देता है? कभी नहीं। यदि ईश्वर अन्यायी होता तो वह संसार का न्याय कैसे कर सकता? यदि मेरी असत्यवादिता ईश्वर की सत्य प्रियता और उसकी महिमा को बढ़ावा देती है, तो पापी की तरह मेरा न्याय क्यों किया जाता है? यदि ऐसी बात है तो हम बुराई क्यों ना करें जिससे भलाई उत्पन्न हो? कुछ लोगों के अनुसार जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी शिक्षा यही है, ऐसे लोग दंडाज्ञा के योग्य हैं। तो क्या हम यहूदियों की कोई श्रेष्ठता नहीं? एकदम नहीं। हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि सब, चाहे यहूदी हो या यूनानी, पाप के अधीन है। जैसा कि लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं, सभी भटक गए, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं। कोई भी भलाई नहीं करता, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उनकी वाणी में छल कपट और उनके होठों के तले सांप का विष है, उनका मुंह अभिशाप और कटुता से भरा है, उनके पैर रक्तपात करने दौड़ते हैं, उनके मार्ग में विनाश है और विपत्ति, वे शांति का मार्ग नहीं जानते और ईश्वर की श्रद्धा
उनकी आंखों के सामने नहीं रहती। हम जानते हैं कि संहिता जो कुछ कहती है वह उन लोगों से कहती है जो संहिता के अधीन है। इस प्रकार कोई कुछ नहीं कह सकता और ईश्वर के सामने समस्त संसार दंड के योग्य माना जाता है, क्योंकि संहिता के कर्मकांड द्वारा कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने धार्मिक नहीं माना जाएगा। संहिता केवल पाप का ज्ञान कराती है। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता के स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त करता है जो ईसा में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के विधान के कारण हुआ, क्योंकि हम मानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। तो क्या हम अपने विश्वास द्वारा संहिता को रद्द करते हैं? उल्टे, हम संहिता की पुष्टि करते हैं। अध्याय 4। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो कर्म करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं, बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो कर्म नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। क्या यह धन्यता खतने वालों से ही संबंध रखती है या बेखतने लोगों से भी? देखिए, हम कहते हैं इब्राहिम का विश्वास उनके लिए धार्मिकता माना गया है। उनका विश्वास कैसे धार्मिकता माना गया? क्या उस समय तक उनका खतना हुआ था या नहीं? उस समय तक उनका खतना नहीं हुआ था, वह बेखतने ही थे। बेखतने रहते समय उनको विश्वास द्वारा जो धार्मिकता प्राप्त हुई थी उस पर मुहर की तरह खतने का चिन्ह लगाया गया। इस प्रकार वह उन सबों के भी पिता बने जो खतना कराए बिना विश्वास करते हैं, जिससे उनका भी विश्वास उनके लिए धार्मिकता माना जाए। इब्राहिम उन खतने वालों के भी पिता बने जो न केवल खतने पर निर्भर रहते हैं, बल्कि हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास के पथ पर चलते हैं जो उन्हें खतने से पहले प्राप्त था।
ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यदि संहिता के अधीन रहने वाले ही उत्तराधिकारी बनते हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है, क्योंकि संहिता का परिणाम प्रकोप है, जबकि संहिता के अभाव में किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है, उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। धर्मग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिसने हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। अध्याय 5। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। मूसा की संहिता से पहले संसार में पाप था, किंतु संहिता के अभाव में पाप का लेखा नहीं रखा जाता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक
मृत्यु उन लोगों पर भी राज्य करती रही जिन्होंने आदम की तरह किसी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा पाप नहीं किया था। आदम आने वाले मुक्तिदाता का प्रतीक था, फिर भी आदम के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य ईसा मसीह द्वारा सबों को मिला है। एक मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंडाज्ञा तो दी गई, किंतु बहुत से अपराधों के बाद जो वरदान दिया गया उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। बाद में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहां पाप की वृद्धि हुई वहां अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। अध्याय 6। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह की वृद्धि हो? एकदम नहीं। हम सब के सब पाप की ओर से मर चुके हैं, तो हम अब कैसे पाप में जीते रहेंगे? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है? हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित संभक्त कर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता
चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ? अब उनके कारण आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। अध्याय 7। भाइयों, क्या आप लोग यह नहीं जानते, मैं विधि जानने वालों से बोल रहा हूँ, कि मनुष्य पर विधि का अधिकार तभी तक है जब तक वह जीवित है। विवाहित स्त्री तब तक विधि द्वारा अपने पति से बंधी रहती है जब तक वह जीवित रहता है। यदि पति मर जाता है तो वह अपने पति के बंधन से मुक्त हो जाती है। यदि वह अपने पति के जीवन काल में किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी। किंतु यदि पति मर जाता है तो वह उस बंधन से मुक्त हो जाती है, और यदि वह किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचार नहीं करती। मेरे भाइयों, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण संहिता की दृष्टि में मर गए और अब किसी दूसरे के अर्थात उसके हो गए हैं, जो मृतकों में से जी उठे। यह इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। जब हम अपने देहिक स्वभाव के अधीन थे तो संहिता से प्रेरित पापमय वासनाएं हमारे अंगों में क्रियाशील थी और मृत्यु के फल उत्पन्न करती थी। किंतु अब हम उन बातों के लिए मर गए हैं जो हमें बंधन में जकड़ती थी, इसलिए हम संहिता से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार हम पुरानी लिखित संहिता के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के नवीन विधान के अनुसार ईश्वर की सेवा करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि संहिता पाप है? एकदम नहीं। फिर भी संहिता के द्वारा ही पाप का पता चला। यदि संहिता ने नहीं कहा होता लालच मत करो, तो मैं यह नहीं जानता कि लालच क्या है। इस आज्ञा से लाभ उठाकर पाप ने मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया। संहिता के अभाव में पाप निर्जीव है। एक समय था जब संहिता नहीं थी और मैं जीवित था, किंतु आज्ञा के आने से पाप का जन्म हुआ और मैं मर गया। इस प्रकार वह आज्ञा जिसे जीवन की ओर ले जाना चाहिए था, मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि पाप ने आज्ञा से लाभ उठाकर मुझे धोखा दिया और आज्ञा के द्वारा मुझे मार दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता पवित्र है और आज्ञा पवित्र, उचित एवं कल्याणकारी। तो जो बात कल्याणकारी थी, क्या वह मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी? एकदम नहीं। किंतु जो बात कल्याणकारी थी, उसी के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार पाप का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया और वह आज्ञा के माध्यम से बहुत अधिक पापमय प्रमाणित हुआ। हम जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। किंतु मैं करता नहीं रहा,
बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ! इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का, किंतु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन करता हूँ। अध्याय 8। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने, जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता, जो कार्य करने में असमर्थ थी, वह कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में, जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुँच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो आपके फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा, जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे, तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे, तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसके संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के सहभागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं, तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है।
क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने इसे अधीन बनाया है, किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दासता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर की संतान की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं हम भी भीतर ही भीतर कराते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, लेकिन हम ईश्वर की संतान बनने की ओर अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं की जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी स्पष्ट आहु द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौटा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कोई अभियोग लगा सकेगा। जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे। वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों से हमारी गिनती हुई, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति, और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय शुभ।